स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू की गई है त्रिपुरा में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। गवर्नर कौन है वर्तमान में त्रिपुरा के? राज्यपाल है कप्तान सिंह सोलंकी। और सीएम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है बिप्लव कुमार देव, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुना करने को मंजूरी दी है। यह रिफाइनरी किस राज्य में है? तो ये रिफाइनरी है दोस्तों असम में, ठीक है, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुना करने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो कहाँ पे है? असम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जीता है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, नमिता गोखले, ठीक है। लेखिका नमिता गोखले को 12 जनवरी को अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला है। याद रखिए उनका उपन्यास भी याद रखिएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ठीक है, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी को किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों आरबीआई ने 16 जनवरी को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं कई बार बता चुका, एक बार फिर से आपको रिविजन करा देता हूँ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1935 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? तो आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में, ठीक है, और 35 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में है। और दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके अलावा गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है वर्तमान में, ठीक है, अभी हाल में बने, इसलिए आप याद रखिएगा शक्तिकांत दास, ठीक है। और प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यस बैंक ने किसे कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है? तो किया है दोस्तों ब्रह्मा दत्त को, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। यस बैंक ने दोस्तों 12 जनवरी को ब्रह्मा दत्त को गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है, ब्रह्मा दत्त को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? किया गया है मनु साहनी को, ठीक है, ऑप्शन डी। आईसीसी के बारे में दोस्तों बात करें तो आईसीसी का है फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, ठीक है। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है भारत के शशांक मनोहर। और आईसीसी के बारे में आपको पता ही है कि ये विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक और नियामक संस्था है ये, ठीक है। और जो अगला वर्ल्ड कप होगा दोस्तों 2019 में ही ये होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और वेल्स में। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह को, ठीक है, ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो वो है एच एल दत्तू, ठीक है, जस्टिस एच एल दत्तू हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ठीक है, 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेमा के लिए भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन बी, मुंबई में, ठीक है। देखिए दोस्तों मोदी जी ने 19 जनवरी को मुंबई में सिनेमा के लिए भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है, कहाँ पे? मुंबई में। किस देश ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना है? तो ये जापान ने किया है, ठीक है, ऑप्शन बी। 18 जनवरी को जापान ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना, जापान। प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब किसने जीता है? दोस्तों प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है प्रीमियर बैडमिंटन लीग, पीबीएल का खिताब जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। प्रथम एकलव्य मॉडल
आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में, ठीक है। देखिए दोस्तों, 14 जनवरी को हैदराबाद में प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, हैदराबाद में। भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 14 जनवरी को, ठीक है, ऑप्शन ए। भारत रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मुंबई में, ठीक है। 17 जनवरी को मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, मुंबई में। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये किया गया दोस्तों वियतनाम में। कहाँ पे? आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? वियतनाम में। आसियान के बारे में आपको बता दें, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ASEAN, ठीक है, आसियान इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में हुई थी इसकी स्थापना। आसियान के इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका केंद्रीय सचिवालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 10 है। और 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इसका समिट हुई थी 33वां वो सिंगापुर में, और अगला जो होगा 34वां वो थाईलैंड में होगा। तो यह आप फैक्ट याद रखिएगा आसियान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? विनेश फोगट, ऑप्शन ए। पहलवान विनेश फोगट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो का आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन पहलवान प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया विनेश फोगट राइट आंसर था। अब देख लेते हैं आज का सवाल हमारा क्या है। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों के साथ बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।